वेलकम बैक टू चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू बच्चों, एंड टुडे वी आर डूइंग द चैप्टर लेंस, जिसका आज लास्ट पार्ट होने वाला है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने जो है ना बच्चों, इस चैप्टर का जो है ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो आज के जो टॉपिक में मैं क्या करूंगा, टुडे वी विल जस्ट सी द यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हम खाली इन दो चीजों का जो हम अंडरस्टैंड करेंगे, एंड इसके बाद जो है एक परसिस्टेंस ऑफ लेंस है, उसके बाद हमारा जो है टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। अब रह जाएगा हमारा बच्चों सिर्फ न्यूमेरिकल्स। तो यस, इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू टेक द न्यूमेरिकल्स पार्ट, बट यस आपको जो न्यूमेरिकल्स होगा वो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आ जाएगा, राइट? तो बट आज के वीडियो में चैप्टर विल बी कंप्लीटेड टोटली। ठीक है, खाली जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि सभी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, हम थियरी करके चले जाएंगे। ऐसा मत सोचो, ये मेंटेलिटी आपके अंदर मत रखो, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स जो है ना बच्चों वो बहुत ही ईजी होते हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, सॉल्व करना है, आंसर लेके आ जाना है, दैट्स इट, एंड यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स। थ्योरी में आपके मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, बट वहां पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपके मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होते। अगर आपने गिवन डेटा लिखा है, फॉर्मूला लिखा है और सब कुछ किया है, तो यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स। और मैं आपको बता दूं, आपके बुक में जो या बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं बच्चों। वो एक न्यूमेरिकल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स ही सिर्फ आते हैं। और मैं आपको इतने अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल सिखाऊंगा कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो न्यूमेरिकल्स को सीख जाओगे, राइट? ये मेरा वादा है। ओके, जिनको मेरे पे भरोसा है प्लीज कमेंट करना कि यस आई ट्रस्ट यू, तो मैं जल्दी से न्यूमेरिकल्स की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक, जैसा मैंने आपको कहा कि लेंस का आज लास्ट पार्ट होने वाला है, तो देखो आज हम तो सबसे पहले दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक है अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और दूसरा है यूज ऑफ द कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसके बाद जो एक टॉपिक बचेगा दैट इज यूज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें हम माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप चीजें करेंगे। ठीक है, वो मैं एक्चुअली आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कैसे बनते हैं। चलिए पहले इन पे गौर करते हैं क्या ये। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखो ये अपेरेंट वर्ड आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कहीं पे, राइट? व्हाट इज अपेरेंट? अपेरेंट मतलब होता है बच्चों जो रियल साइज नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट अगर मैं अपेरेंट साइज लेता हूं, मतलब वो साइज जो है वो उसका रियल साइज नहीं है, राइट? अच्छा, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल साइज कैसे पता लगाते हैं, राइट? कैसे पता लगाते हैं? तो वी फाइंड द रियल साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय जस्ट मेजरमेंट। ठीक है, अगर आपको इसका रियल साइज पता करना है तो आप कैसे पता करोगे? यस, यू विल मेजर इट। बट अभी देखो, आप इस ऑब्जेक्ट को, इस मार्कर को आप स्क्रीन में देख रहे हो बच्चों, तो आपको इसका जो साइज दिख रहा है वो कुछ और दिख रहा है। पर जैसे जैसे मैं इसे पास में लेके आऊंगा, तो यू कैन सी इसके साइज का जो साइज है बच्चों वो चेंज होता है, राइट? सो व्हाट इज दिस? तो इसको हम बोलते हैं अपेरेंट साइज। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पास या दूर लेके जाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो क्या होता है, चेंज होता है, तो मुझे उसका साइज अलग दिखाई देता है, और उसी को हम बोलते हैं अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूं। अगर कोई, मैं मान लो मैं एरोप्लेन की बात करता हूं, अब एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है कहीं पे, ठीक है? तो अगर एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है तो कितना साइज दिखाई देगा उसका? छोटा सा साइज दिखाई देगा, राइट? या अगर थोड़ा सा पास में तो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। बट यहाँ पे जब हम एरोप्लेन को दूर से देखते हैं, मतलब हम जब एरोप्लेन को देख रहे हैं, वो स्काई में उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा है, तो हमें वो जो छोटा दिखाई देता है। बट अगर हम एक्चुअल सामने मेरा एरोप्लेन खड़ा है और मैं उसके सामने जस्ट खड़ा हूँ, तो उस वक्त मुझे एरोप्लेन कितना बड़ा दिखाई देगा? तो वो हमें बहुत ह्यूज दिखाई देगा, ठीक है? तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस। तो जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से देखता हूँ और जब बहुत पास से देखता हूँ, बहुत करीब से देखता हूँ, तो मुझे उनके साइज में फर्क दिखता है। जैसे अगर कोई बहुत छोटी सी चीज है, राइट, अगर उस छोटी चीज को मुझे क्लियर देखनी है, तो मुझे क्या, जैसे अभी सपोज इस मार्कर पे कुछ लिखा हुआ है, मैं इसे दूर से पढ़ सकता हूँ क्या? नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि चीजें छोटी छोटी लिखी है। तो मुझे क्या करना होगा, उसे पास में लेके आना होगा, फिर मुझे ध्यान से देखना होगा क्या लिखा है। तो जब हम किसी चीज को, कोई छोटा ऑब्जेक्ट है उसको हम पास में लेके आते हैं तो बड़ा दिखने लगता है, उसी ऑब्जेक्ट को दूर लेके आते हैं तो छोटा दिखने लगता है, राइट? बट उसका जो रियल साइज है वो तो सेम रहने वाला है, चाहे पास में लेके जाओ चाहे दूर लेके जाओ, राइट? बट उसका जो अपेरेंट साइज है, अपेरेंट साइज मतलब ऐसा साइज जो डिस्टेंस पे वेरी करता है, राइट? तो यहां पे आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। तो अपेरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? तो यहां पे मैं, आप देख सकते हो, जैसे यहां पे एक ह्यूमन आई है, ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो हमारा एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, तो दिस इज माय ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है। अच्छा, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से देखता हूं, ठीक है, तो दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। चलो मैंने कह दिया कि मान लो इसका साइज है बच्चों 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने कहा इसका साइज कितना है 5 सेंटीमीटर। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहां इतनी दूर से देखते हैं, 5 सेंटीमीटर का इसका साइज है, तो मैं, अब देखो ये जो है, अच्छा मैं जब इस ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो ये मेरी आंखों से कुछ एंगल बनाता है। देखो ये एंगल बन रहा है ना, क्योंकि बी से लेके आंखों तक ये वाली रेज आ रही है, और ये मेरा जो है सरफेस है, ठीक है,
तो सरफेस से और इस ऑब्जेक्ट से जो एंगल बनेगा, उस ऑब्जेक्ट को जब मैं देखूंगा, तो चलो मैंने मान लिया इस एंगल को अल्फा, ठीक है, मैंने इस एंगल को क्या मान लिया, अल्फा। अच्छा, मैं इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लेके आता हूँ, पहले ये ऑब्जेक्ट मुझसे दूर था, अब मैं क्या करता हूँ इसे पास में लेके आता हूँ। तो मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अब ए डैश और बी डैश वही ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि इसका पहले साइज जितना था अभी भी इसका साइज जो है उतना ही है, मैंने उसका साइज चेंज नहीं किया, मतलब मैं इसके रियल साइज की बात कर रहा हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट का जो रियल साइज है वो अभी भी उतना ही है जितना पहले था, राइट। बट जब मैं इस ऑब्जेक्ट को आगे लेके आता हूं, तो आप एक चीज गौर से देखना बच्चों, वो है इसका एंगल। पहले इसने जो एंगल बनाया था ए, इस पॉइंट को चलो मैंने नाम दे दिया ओ, सो बी ओ ए जो एंगल बना था वो बना था अल्फा, और अब जब मैंने इसे मेरे आंखों के करीब लेके आ गया, और अब ये जो एंगल बना रहा है बच्चों वो कुछ ये एंगल बन रहा है, ठीक है। चलो मैंने इस एंगल को मान लिया बीटा। अच्छा, कैन यू से विच एंगल इज ग्रेटर, अल्फा और बीटा? जाहिर सी बात है बीटा बड़ा है, तो यहां पे आई कैन से दैट एंगल बीटा इज ग्रेटर देन एंगल अल्फा। अब ये ऑब्जेक्ट पास में आ गया, तो बताओ ये ऑब्जेक्ट मुझे बड़ा दिखाई देगा या छोटा दिखाई देगा पहले के मुकाबले? जाहिर सी बात है पहले के मुकाबले मुझे बड़ा दिखाई देगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एरोप्लेन का, एरोप्लेन दूर है तो मुझे छोटा दिखता है, पर वही एरोप्लेन जब करीब आ जाता है तो बड़ा दिखाई देता है। सो ये क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे होता है बच्चों, यहाँ पे है, मैंने आपको देखो लिखा है डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन नहीं कह सकते, मैंने स्टेटमेंट लिखा है, द एपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द एंगल। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे, विच इज सबस्टेंडेड, सबस्टेंडेड मतलब मेड, ठीक है, तो एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। तो एक ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों पे जो एंगल बनता है जब उस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, तो वो एंगल डिसाइड करता है कि उसका साइज क्या होगा। इफ एंगल इज वेरी स्मॉल दैट मींस ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। फॉर एग्जांपल देखो मैं बता दूं, स्टार्स या हम सन की बात कर लें, जब देखो हम सन को नेकेड आई से देखते हैं इतना सा दिखता होगा, चलो इतना दिख गया, इतना बड़ा दिख गया, बट क्या इतना बड़ा साइज है हमारे सन का? सन की तो साइज इतनी बड़ी कि उसमें अर्थ जैसे 30 अर्थ आ सकते हैं, इतना बड़ा साइज है सन का, बट दिखता कितना छोटा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, बहुत दूर है, पर वही जब मैं उसके बहुत करीब चले जाऊंगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा? छोटा दिखाई देगा, राइट। तो ये हमारा जो है यहाँ पे जो हमें अपेरेंट साइज दिखती है किसी भी ऑब्जेक्ट की बच्चों, वो किस पे डिपेंड करती है? एंगल पे डिपेंड करती है, और वो एक ऐसा एंगल होगा जो ऑब्जेक्ट और आई के बीच में बनेगा। तो आपको सिंपल स्टेटमेंट क्या देना है? सिंपल स्टेटमेंट ये देना है, द एपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन द एंगल सबस्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा एपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एपरेंट साइज मतलब ऐसा साइज होता है जो वेरी होता है, चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं रहता है, और वो चेंज किसके बेसिस पे होगा? एंगल के बेसिस पे। एंगल ज्यादा तो साइज ज्यादा, एंगल कम तो साइज कम। एंगल ज्यादा कब होगा? जब ऑब्जेक्ट पास में होगा। एंगल ज्यादा कब होगा? जब एंगल सॉरी एंगल छोटा कब होगा? जब ऑब्जेक्ट दूर होगा। ओके, अभी आपके बुक में ना बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, पेज 89 पे, राइट, पेज 89 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, यूज योर ब्रेन पावर, ठीक है, तो आई विल यूज द ब्रेन पावर फॉर यू, डोंट वरी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको ये दिया है, व्हाई डू वी हैव टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट नियर टू द आई इन ऑर्डर टू सी इट क्लियरली? तो पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि क्यों हमें किसी एक ऑब्जेक्ट को पास में लेके आना होता है क्लियर देखने के लिए। अब जैसे मैंने आपको मार्कर का एग्जांपल दिया, अब इस मार्कर पे जो भी कुछ लिखा है, फिलहाल तो सब मिट गया है, कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, सबका मिट गया, चलो मान लो कुछ लिखा है इस पर, अब मुझे इसे क्लियर देखना है, दूर से तो दिखेगा नहीं, मैं क्या करूंगा, उसे पास लेके आऊंगा, जब पास लेके आऊंगा तो आई कैन रीड इट क्लियरली कि भाई क्या लिखा है इसके ऊपर। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं बिकॉज जब हम ऑब्जेक्ट को पास में लेके आते हैं तो द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, मेरे लिए ऑब्जेक्ट क्या है? वो लिखावट, जो लिखी हुई चीज है, राइट, वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। तो वो जब मेरे आंखों से जो एंगल बनाएगा वो मेरे लिए क्या होगा? वो एंगल ज्यादा हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट पास में आएगा, तो ऑब्जेक्ट मुझे जो है क्लियर दिखाई देगी। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। If we bring an object closer than 25 centimeter from the eye, why can we not see it clearly even though it sustains a bigger angle at the eye? Okay. अगर मैंने किसी को 25 सेंटीमीटर के अंदर लेके आ गया तो क्या होगा?
जाहिर सी बात है बच्चों, अगर मैं किसी चीज को 25 सेंटीमीटर के अंदर लेके आ जाता हूँ तो क्या होगा, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के अंदर लेके आता हूँ तो हमने देखो पढ़ा था पावर ऑफ एकोमोडेशन, और जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है ह्यूमन आई का वो नियरेस्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब द कैपेसिटी ऑफ एन आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब मैं ऑब्जेक्ट को बहुत पास लेके आ गया, अब इतनी पास से मैं देख रहा हूँ भाई मेरे को चीजें क्लियर दिखाई नहीं देगी, क्यों, क्योंकि मेरा आई जो है वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा टू फॉर्म अ क्लियर इमेज ऑन रेटिना, देयरफॉर वी कांट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली एट अ डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर। ओके वेल ओके ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे आपके। इसके बाद आपको दिया है यूज ऑफ द कॉनकेव लेंस। ओके लेट मी सी कैमरा चल रहा है या नहीं, ये तो सब वेस्ट हो जाएगा। ओके इट इज वर्किंग प्रॉपरली, गुड। ओके सो मैं जो है कह रहा था बच्चों यूज ऑफ द कॉनकेव लेंस। ओके तो देखो यूज ऑफ द कॉनकेव लेंस में जो है हमें देखना है कि कॉनकेव लेंस का यूज क्या क्या है, राइट। जैसे हमारे पास कॉनकेव मिरर था तो उसके यूजेस हमने पढ़े थे, अब यहाँ पे हमें जो है कॉनकेव लेंस का यूजेस पढ़ना है। अब देखो मैंने की पॉइंट लिख दिया है आप लोगों के लिए, आपके ऊपर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है बट आप की पॉइंट से बाकी चीजों को याद रख सकते हो, ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट है मेडिकल, सॉरी फर्स्ट यूज है मेडिकल्स में, सीडी प्लेयर्स में और स्कैनर्स में यूज होता है, ठीक है। तो हमारे जो मेडिकल में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेडिकल में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे भी सपोज हमें कोई चीज है सपोज कभी कभी बॉडी के अंदर वो कैमरा डालते हैं चीजें देखने के लिए क्लियर, राइट। तो कभी कभी उन कैमराज में जो है हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। सीडी प्लेयर और स्कैनर्स में भी कॉनकेव लेंस का यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ लेजर्स, ठीक है। अब ये बहुत एडवांस चीज है, कैसे होती है सारी चीज आप बाद में अंडरस्टैंड करोगे, आपको सिर्फ याद रखना है कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। तो मेडिकल्स में, सीडी प्लेयर्स में, स्कैनर्स में, इन सब जगह पे यूज हो रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है पीप होल इन अ डोर। अब देखो हमारे दरवाजे में एक होल होता है और उसमें जो है एक छोटा सा लेंस लगा होता है, अब कोई नॉक करता है तो हम उस होल में से देखते हैं कि कौन है बाहर, राइट। अच्छा कोई पहचान का है तो खोलेंगे, कोई अनजान है तो नहीं खोलेंगे, ठीक है। तो वैसे ही वो जो पीप होल जो डोर है वहां पे हम जो लेंस यूज करते हैं वो भी कॉनकेव लेंस होता है। By the way, concave lens का काम क्या होता है, वो जो rays को क्या करता है, diverge करता है, क्या करता है, diverge करता है। अच्छा मैं आपको भी दो इमेज दिखाता हूँ, ये दोनों इमेज में आप देखोगे तो कैसे concave lens और convex lens behave करते हैं, ठीक है। Okay, तो अब जो है next है spectacles। Yes, देखो स्पेक्टेकल्स हमने पढ़ा था, स्पेक्टेकल्स में कॉनकेव लेंस यूज होता है। किसमें होता था बच्चों, दो टाइप के हमारे पास डिफेक्ट्स थे, तीन टाइप के थे, कौन कौन से थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मायोपिया में इमेज जो था वो क्या होता था, रेटिना के पहले बनता था, प्रेसबायोपिया में रेटिना के पीछे, और हाइपरमेट्रोपिया में तो भाई दोनों में प्रॉब्लम है, मतलब ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है। तो मायोपिया में क्या होता था, जब हम पास की चीजें देखते थे तो क्लियर दिखता था पर दूर की चीजें ब्लर दिखती थी, क्लियर नहीं दिखती थी, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो इमेज था वो रेटिना के पहले बनता था, मुझे इमेज को रेटिना तक लेके जाना है तो हम क्या करते थे, हम जो है स्पेक्टिकल्स लगाते थे, कौन से वाले, कॉनकेव वाले, क्यों, क्योंकि वो रेस को डाइवर्ज करते हैं, वो रेस को क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में इमेज रेटिना के पीछे जाता था, मुझे आगे लेके आना है, तो कन्वर्जिंग के लिए हम क्या करते थे, फिर वहां पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करते थे। नेक्स्ट है टॉर्च। देखो अभी टॉर्च का जो आगे का लेंस होता है वो कॉनकेव होता है, क्योंकि टॉर्च से जो लाइट निकलती है उसे फैलनी चाहिए, ऐसे आके मिल जानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे लाइट्स को ऐसे स्प्रेड करना है तो स्प्रेड करने के लिए मैं कौन सा बच्चों यूज करूंगा लेंस, कॉनकेव लेंस, बिकॉज इसकी कैपेसिटी, ये क्या होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो यहां से जो भी लाइट आएगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी हर डायरेक्शन में, ठीक है। ओके सो दिस इज व्हाट द यूजेस ऑफ द कॉनकेव लेंस, ठीक है। देखो कॉनकेव लेंस को हम जनरली टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में भी यूज करते हैं बट बहुत रेयरली यूज करते हैं किसी पर्पस के लिए, अदरवाइज हम वहां पे जो है कॉन्वेक्स लेंस ही यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा यूज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो दिस इज व्हाट द बेसिक टॉपिक्स ऑफ द स्टार्टिंग अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द यूज ऑफ द कॉनकेव लेंस। ओके टेक द स्क्रीनशॉट फिर आगे बढ़ते हैं। ओके सो नाउ वी विल सी द यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो ठीक है बच्चों यहां पे यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में हम देखेंगे सबसे पहले यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये दोनों का मतलब भी समझेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है। मैं आप लोग के लिए एग्जैक्ट फिगर बना के दिखाऊंगा कैसे बनाना होता है, मैंने खाली आउटलाइंस बना के रखी है, बाकी आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा कैसे ड्रॉ करना, ठीक है। फिर टेलीस्कोप देखेंगे एंड देन यूज इन स्पेक्टेकल्स एंड सम डिवाइसेस, ऑप्टिकल डिवाइसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे यहाँ पे। ओके तो सबसे पहले कुछ बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है हम क्यों यूज करते हैं,
अब देखो जब भी हम बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की, तो आप याद रखो सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही लेंस यूज होता है, ठीक है? तो मैं आपको लिख देता हूं ओनली वन लेंस, या फिर मैं लिखता हूं वन लेंस। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बच्चों दो लेंस यूज होते हैं, कितने होते हैं? टू लेंस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? सिंपल माइक्रोस्कोप में खाली एक लेंस यूज होगा, कंपाउंड में दो लेंस यूज होगा, ठीक है? अब देखो हम जब बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की, तो पहली बात हम माइक्रोस्कोप यूज क्यों करते हैं? वी यूज माइक्रोस्कोप टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। क्यों करते हैं? मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट मतलब मुझे अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, मुझे उसे बड़ा देखना है, क्लियर देखना है, तो हम क्या करते हैं जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो है या सिंपल माइक्रोस्कोप का जो है यूजेस करते हैं, ठीक है? ओके, तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है जनरली अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो जो वॉच रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो देखो हाथ में से एक लगा के वो लोग देखते हैं, क्योंकि चीजें बहुत छोटी छोटी होती है तो उसमें बड़ी दिखाई देती है, ठीक है? तो वहां सब ऐसी जगह पे जो है हम क्या करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। और जो ये सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है 5 to 10 times जो है जूम कर सकता है, मैग्नीफाई कर सकता है। 5 to 10 times, 5 to 10 times का मतलब ये होता है बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज 1 centimeter है तो उसका 5 times जूम करेगा, मतलब उसे वो मैग्नीफाई करेगा, तो आपको वो जो है 5 centimeter तक का बड़ा करके दिखा सकता है, ठीक है? बट जब हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो जो है हंड्रेड्स के रेंज में होता है, ठीक है? और यहाँ पे जो है इसका 5 to 10 के रेंज में होता है, ठीक है? ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो आई विल गोइंग टू यूज दिस, ठीक है, दिस स्केल आई एम गोइंग टू यूज टू ड्रॉ। ओके, तो मैं जो है सपोज एक ऑब्जेक्ट रखता हूं। अच्छा, अब ये मेरा लेंस है, तो इसका फोकस है, एक फोकस यहाँ पे, एक फोकस जो है बच्चों यहाँ पर है, ठीक है? ये इस लेंस का फोकस है। तो सबसे पहले हम कहां पे रखते हैं, पहले हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को जो है इन बिटवीन, मैं लिख देता हूं यहां पे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, मैं लिखता हूं एफ एंड ओ, ठीक है, एफ और ओ के बीच में। अब मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, सी हम यहां से देखने वाले हैं इस साइड से, ठीक है? अगर मैं इसे जो है इस साइड से देखने वाला हूं, ठीक है, कुछ ऐसे, तो ऑब्वियसली मुझे इमेज यहां दिखना चाहिए, ठीक है? तो इमेज अगर यहां दिखना चाहिए, पर ऑब्जेक्ट भी मेरा यहीं पे रखा होगा, तो अगर इमेज मुझे यहां दिखेगा, ऑब्जेक्ट भी यहीं पे रखा है, तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, हम देखो आप, अगर आप लोगों ने मेरा जो है सेकेंड वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, दोनों बताया था मैंने, ठीक है? तो जो कॉन्वेक्स लेंस से जो हमने इमेज फॉर्म किया था, तो उसका जो लास्ट वाला डायग्राम था, सिक्स्थ डायग्राम, उसमें हमने कहा था कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो हमें जो इमेज मिलता है वो सेम साइड में मिलता है, बट वो इमेज कैसा होता है, वो हमारा वर्चुअल इमेज होता है बच्चों, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जो है आपको बता देता हूँ कैसे बनने वाला है। पहले हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो लेट्स से दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो लेट्स से दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और ओ के बीच में, लेट्स मैं इसको लिख देता हूं ए एंड बी इज माय ऑब्जेक्ट, ठीक है? अच्छा, अब देखो यहां से एक रेज ऑफ लाइट आएगी कुछ ऐसे, ठीक है? यहां से एक रेज ऑफ लाइट आई, तो ये कहां से पास होगी बच्चों, तो दिस इज माय पैरेलल रेज ऑफ लाइट विच विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस से पास होगा। मैं अभी रे डायग्राम्स के रूल्स जो है वो यूज कर रहा हूं, अगर आप लोग ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है? इफ माय इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस, मैं कोशिश करूंगा आपको समझे, ठीक है? सेकंड जो है मैं ऑप्टिकल सेंटर से रे पास करता हूं, लेट से लाइक दिस, नेक्स्ट रे मेरी पास हो गई ऑप्टिकल सेंटर से, ओके। अच्छा बच्चों, अब ये दोनों रेज को देखो, अब देखो हमने पढ़ाया व्हेन एवर एनी रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट विल मूव स्ट्रेट विदाउट एनी डिविएशन, मतलब वो बिना मुड़े जो है सीधा चले जाएगा। अब इन दोनों रेस को अगर मैं देखू तो ये आगे किधर भी मीट नहीं होने वाले, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं और एक्सटेंड होते जाएंगे, फैलते जाएंगे, सो दे विल नेवर गोइंग टू मीट ईच अदर। तो मैं क्या करूंगा, इन रेस को आगे एक्सटेंड करूंगा, कहां पे एक्सटेंड करूंगा, आगे की तरफ। तो लेट सी, मैं एक्सटेंड करता हूं इसे आगे की तरफ, मुझे क्या मिलता है, तो मैं इसे एक्सटेंड करता हूं अभी, ठीक है? देखो मैंने इस वाले रे को आगे एक्सटेंड किया, सिमिलरली मैं इस रे को भी क्या करूंगा, आगे की तरफ जो है एक्सटेंड करूंगा, ओके। तो आप देख सकते हो कि यहां पे ये दोनों रेज जो है बच्चों क्या हो रही है, मीट हो रही है इस पॉइंट पे, ठीक है? यू कैन सी कि इस पॉइंट पे जो है इमेज क्या हो रहा है, मतलब मेरे दोनों रेज जो है मीट हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट से जो है एक लाइन प्लॉट कर दूंगा, ठीक है?
तो मैं ऐसे एक लाइन प्लॉट कर दूंगा, कूल तो आप यहां पे देख सकते हो. सो दिस इज व्हाट द इमेज आई एम गेटिंग नाउ. तो मैं जब यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखूंगा इस लेंस के थ्रू, तो मुझे इसका जो इमेज मिलेगा वो ये मिलेगा. तो लेट से ए डैश बी डैश. और एक चीज यहां पे कि मुझे इमेज जो है वो कैसा मिलेगा, इरेक्ट मतलब सीधा इमेज मिलेगा बट वर्चुअल होगा. तो मैं यहां पे नेचर लिखता हूं, तो नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज मिलेगा. ओके तो अभी आप एक चीज देखो, साइज ऑफ इमेज देखो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देखो, क्या साइज ऑफ इमेज बड़ा है, यस इट इज ग्रेटर, देयरफॉर मेरा इमेज जो है ऑब्जेक्ट का जो साइज हो क्या हो गया, मैग्नीफाई हो गया है, ठीक है. सो ये मैग्निफिकेशन के लिए हमने क्या किया, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया. ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. अच्छा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस के पीछे रखता तो क्या होता, तो मुझे इमेज इस साइड मिलता जो कि मैग्नीफाइड नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा है हमें जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इमेज मिलता है वो कब मिलता है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे और वो इमेज जो होगा वर्चुअल इमेज होगा बट इरेक्ट होगा, ठीक है. ओके अगर आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले मेरा सेकंड वीडियो देख लो. सेकंड वीडियो कौन सा, तो वीडियो है जहां पे मैंने जो एक्सप्लेन किया है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, पहले उस पार्ट को देख लो देन कम टू दिस. एंड अगर समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, आगे बढ़ते रहो. ओके नेक्स्ट जो है, मैं अभी ऑब्जेक्ट को रखूंगा कहां पे, ऑप्टिकल फोकस पे. तो मैं अभी ऑब्जेक्ट को रखता हूं फोकस पे, ठीक है बच्चों. सो लेट्स से दिस इज माय ऑब्जेक्ट विच इज ऑन फोकस. अच्छा तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक रेज ऑफ लाइट लेता हूं, ठीक है, मैंने यहां से एक रेज ऑफ लाइट लिया. सो दिस इज माय इंसिडेंट रे. सो दिस विल पास थ्रू व्हाट, फोकस, राइट, दिस विल पास थ्रू. ओके मैं ये डायग्राम मेजरमेंट में नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैं रैंडमली कोई भी नंबर लेके प्लॉट कर रहा हूं. इवन मेरा ये फोकस भी करेक्ट है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट आपको ये मेजरमेंट में लेना. अगर आपने ये फोकस 5 सेंटीमीटर लिया तो इसको भी 5 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है. ओके नेक्स्ट रे में पास करूंगा ऑप्टिकल सेंटर से. नेक्स्ट रे में पास करूंगा कहां से बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से. ओके नाउ यू कैन सी दैट दीज टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है. ये भी हमने रे डायग्राम में पढ़ा था, ये हमारा फिफ्थ रे डायग्राम था. तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन फोकस तो माय रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू ईच अदर. तो अगर मैं इसे पीछे भी एक्सटेंड करूं तो भी पैरेलल होंगे, बिकॉज अगर मेरे दो पैरेलल लाइंस है, आप आगे एक्सटेंड करो पीछे एक्सटेंड करो वो पैरेलल ही रहने वाले हैं. तो अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूं तो भी नहीं मीट होंगे. जैसे इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया तो ये यहां पे मीट हो गए, बट ये मीट होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि ये भी पैरेलल है, ठीक है. तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हम बोलते हैं द इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी. हम यहां पे क्या स्टेटमेंट देते हैं, इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी, ठीक है. तो इस केस में आप क्या लिखोगे, दैट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, ठीक है. ऑब्जेक्ट वहां पे रखा फोकस, और क्या बोलोगे, इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी. इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी. और इमेज कैसा होगा बच्चों, यहां पे रियल और इनवर्टेड, कैसा होगा, रियल और इनवर्टेड, ठीक है. सो दिस आर द टू रे डायग्राम्स व्हिच यू हैव टू डू फॉर योर सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस, ठीक है, जिसमें हम एक ही लेंस यूज करेंगे. और सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो थोड़ा सा इमेज से मतलब ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज माई कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है. अब देखो बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंस यूज करते हैं. कितने लेंस यूज करते हैं, दो, जिसमें से एक का साइज बड़ा छोटा होता है और एक का साइज बड़ा होता है. अब ऑब्वियसली जिसका साइज छोटा होगा तो उसका फोकल लेंथ भी छोटा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसका फोकल लेंथ का साइज भी क्या होगा, ग्रेटर होगा. अब यहां पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे आंख बनाया, मतलब मैं यहां से देखने वाला हूं इस लेंस के थ्रू. तो जिस लेंस से मैं देखूंगा उसको हम बोलेंगे आईपीस. क्या बोलेंगे, आईपीस. तो यहाँ पे आंख है, मैं इस लेंस के थ्रू देखने वाला हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या होगा, मेरा आईपीस. देखो इस लेंस को मैंने बोला है ऑब्जेक्टिव लेंस. क्या कहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस. क्यों ऐसा मैंने बोला है, क्योंकि यहां पे मैं ऑब्जेक्ट को रखने वाला हूं. तो मेरा ये जो लेंस है ये ऑब्जेक्ट के पास में होगा. तो जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास में होता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो लेंस आई के पास होता है उसे बोलते हैं आईपीस. अगर आप लोग ने माइक्रोस्कोप देखा होगा बच्चों, तो देखो आप उसमें जैसे देखते हो, ठीक है, माइक्रोस्कोप में. मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखाता हूं, तो जहां हम ऊपर से देखते हैं तो वहां पे जो लेंस होता है वो आईपीस होता है, और जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है नीचे की तरफ और वहां पे एक लेंस लगा होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है. ओके तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस होगा उसे बोलेंगे फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसको मैं एफ ओ लिखूंगा.
तो एफ ओ क्या होगा, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस का जो फोकस होगा उसको मैं एफ ई लिखूंगा। क्या लिखूंगा बच्चों, एफ ई। तो एफ ई इज द फोकस ऑफ आईपीस एंड एफ ओ इज द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ओके, बट अब मैं जो है ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में नहीं रखने वाला हूं। क्यों नहीं रखने वाला हूं बच्चों? यस, क्या रीजन होगा? अगर मैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में रखूंगा तो मुझे इमेज यहीं पे मिलेगा, बट मैं चाहता हूं मुझे इमेज यहां मिले। ऐसा क्यों चाहता हूं अभी आपको समझ में आएगा जब मैं इसे प्लॉट करते जाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट को प्लॉट करते हैं। तो लेट से दिस इज माई ऑब्जेक्ट। ओके, आप ऑब्जेक्ट देख सकते हो कितना छोटा है, बट इसका इमेज देखने कितना बड़ा मिलेगा। यस, तो जैसे इसको हमने नाम देते हैं, लेट से दिस इज माई ए बी ऑब्जेक्ट, इसे भी हम नाम दे देते हैं ए बी ऑब्जेक्ट। सो दिस ए बी इज माई ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये ए बी जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब यहां से क्या होगा, एक रेज ऑफ लाइट पैरेलल होगी, तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से निकलेगी, तो ये जो है ये वाला लाइन, ये मेरा क्या है, एफ ओ, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो चलो प्लॉट करते हैं। तो यहां से एक रेज ऑफ लाइट पैरेलल होगी, तो हमने यहां से एक पैरेलल रेज ऑफ लाइट ले ली। ये कहां से पास होगा बच्चों? ये पास होगा इसके फोकस से। देखो ये इसके फोकस से चले गया, तो दिस इज माई इंसिडेंट रे, दिस इज माई रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ओके। एक रे को हम पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो स्ट्रेट जाएगी विदाउट एनी डिविएशन। ठीक है, तो उसे भी हम प्लॉट कर लेते हैं। ओके, अभी आप देख सकते हो इस रे को मैं थोड़ा और आगे एक्सटेंड करूंगा, राइट, ऐसे। तो ये दोनों यहां पे मीट हो रही है। ठीक है, ये दोनों रेज जो है बच्चों इस पॉइंट पे मीट हो रही है, मतलब मुझे इमेज कहां मिलेगा? यस, तो मैं बोलूंगा मुझे जो है इमेज मिलेगा कहां पे, मुझे इमेज मिलेगा इस पॉइंट पे। ओके, सो ये हमें मिल जाएगा इमेज। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूं। तो ये हमें इमेज मिला, एंड दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूं। और ये इमेज कैसा होगा बच्चों? इन्वर्टेड। तो यहां पे ए डैश और ये बी डैश। तो सी, ए डैश बी डैश इज द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड दिस इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द आईपीस लेंस। और अगर आप देखोगे तो आईपीस का जो फोकल लेंथ है एफ ई, वो यहां पर है, मतलब ये इसके फोकल लेंथ के अंदर बना है। मतलब ये सेम इसके जैसा केस है। देखो फोकल लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट है ना। तो अब एक चीज देखो पहले यहां पे क्या होने वाला है। तो मैं बोलता हूं ए बी, ए बी इज द ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ध्यान सुनना, ए बी इज द ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड ए डैश बी डैश इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। बट दिस ए डैश एंड बी डैश will act as an object for this eyepiece, ठीक है? तो ये जो a dash b dash है, ये इस eyepiece के लिए एक object की तरह work करेगा, तो उसका भी image बनेगा। कहाँ बनेगा? जिस side object है उसी side। तो देखो object यहां पर है, तो इसका image भी मुझे यहीं पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो focal length के अंदर अगर मेरा object होता है तो image भी उसी side में मिलता है, उस दूसरे side में नहीं मिलता है। तो चलो मैं यहां से क्या करता हूँ, कुछ rays of light निकालता हूँ। चलो तो मान लेते हैं यहां से एक रेज ऑफ लाइट गई ऐसे, तो ये कहां से पास होगी बच्चों? इसके फोकस से पास होगी। तो मैं इसको इसके फोकस से पास कर देता हूं, तो ये जो है इसके फोकस से पास हो गया। ओके, नेक्स्ट मैं रेज ऑफ लाइट बच्चों लेता हूं कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। यस, तो नेक्स्ट रेज ऑफ लाइट मैंने ले ली बच्चों कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। अगेन आप अगर यहां पर देखोगे तो ये इसके जैसे ही केस बन रहा है। यहां पे ये दोनों रेज जो रिफ्रैक्टेड रेज है, ये क्या होंगे? पीछे पीछे जाएंगे, बट कहीं कहीं मीट नहीं होंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मैं जो है इसे आगे एक्सटेंड कर देता हूं। यस, ओके, नेक्स्ट वाले रेज को भी एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी दैट कि ये दोनों जो है पॉइंट यहां पे आके मिल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट कहां पे मिल रहे हैं? यहां पे मिल रहे हैं। अब इसका इमेज यहां पे बनेगा, राइट? इसका इमेज जो है यहां पे बनेगा,
ओके, तो ये मुझे इमेज मिल गया। अब ध्यान से सुनना, आपके बुक में ये जो इमेज बन रहा है इस लेंस के पीछे बनेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जो साइज होता है ये इन दोनों के एडजस्टमेंट पे डिपेंड होता है, ये दोनों लेंस के एडजस्टमेंट पे डिपेंड होता है। अगर मैं इसे आगे पीछे करूंगा तो इसका साइज भी जो है वो बड़ा छोटा होते जाएगा, ठीक है। तो आपको उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपका इमेज इसके पहले बने, इसके आगे बने, कहीं पे भी बने, बट कंडीशन इज दैट कि इससे बड़ा होना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट से बड़ा होना चाहिए। और आपको दिख रहा है सी, इसका साइज देखो कितना है ए बी का, और ये जो मुझे साइज मिला है इसका साइज देखो कितना है। तो यहाँ पे जो मुझे साइज मिल रहा है वो बहुत ज्यादा मैग्निफाई होकर मिल रहा है, राइट। सो व्हेन वी यूज द लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो मुझे यहाँ पे जो इमेज मिलता है, तो लेट से मैंने इसको नाम दे देना है कुछ, मैंने इसको नाम दे दिया लेट से आरपी, ठीक है। तो आरपी इज द इमेज, राइट। आरपी क्या है मेरा, इमेज है। और ये इमेज किससे बना बच्चों, यस दिस इमेज इज फॉर्म बाय द कंपाउंड लेंस एंड दिस इज द मैग्निफाइड इमेज। कैसा इमेज है ये मेरा, मैग्निफाइड। तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होगा उसे ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, आंखों के पास जो लेंस होगा उसे आईपीस बोलेंगे, जहां से हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकल लेंथ के पीछे रखा होगा, तो इसका इमेज जो बनेगा वो आईपीस के पहले बनेगा और आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर बनेगा। तो दिस द इमेज मेड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। तो उसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये अभी किसके लिए ऑब्जेक्ट इमेज नहीं होगा, ये मेरे लिए एक परफेक्ट इमेज होगी, क्योंकि मैं यहां से देखता हूँ, ठीक है, यहां से देखता हूँ मुझे ये दिखाई देगा। तो ऐसे जो है हमारे इमेज फॉर्म होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और इस तरीके से हमारी इमेज फॉर्म होते हैं और जो है लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो ये दो हमारे इमेज फॉर्मेशन थे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। टेक द स्क्रीनशॉट, अगर वापस सुनना है तो पीछे रिवाइंड करो वीडियोस को, फिर से एक बार देखो, चीजें क्लियर हो जाएगी। इट इज नॉट वेरी बट डिफिकल्ट, बहुत सिंपल वीडियो है, ठीक है। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि हमारा है टेलीस्कोप, उसे देखते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो वेल नाउ वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ टेलीस्कोप, मतलब टेलीस्कोप कैसे काम करता है, फिर हम देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देन स्पेक्टेकल्स एंड दिस पर्सिस्टेंट ऑफ विजन एंड दिस सम पार्ट, राइट। तो फटाफट खत्म करते हैं इसे, बहुत इजी पार्ट है ये। ओके, देखो टेलीस्कोप में मैंने जो है ऑलरेडी डायग्राम बना दिया है, क्योंकि बहुत इजी डायग्राम था इसका। अच्छा, जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप को देखा, तो जनरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप जो है यूज होते हैं टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट बहुत पास में उनको देखने के लिए। बट टेलीस्कोप जनरली हम यूज करते हैं जो हमसे बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, जैसे हम बात करें स्टार्स की, ठीक है, या कोई सेलेस्टियल बॉडीज की इन द प्लैनेट, तो या फिर अर्थ पे कोई चीज बहुत दूर है इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मेरे को ऐसी कोई चीज देखनी है जो बहुत दूर है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, टेलीस्कोप यूज करना पड़ेगा। अब देखो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में फर्क क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में भी दो लेंस यूज होंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो लेंस यूज होंगे, बट जैसा हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था, हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वो छोटा था और आईपीस बड़ा था। यहाँ पे उल्टा होगा, आईपीस का लेंस बड़ा होगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव का लेंस बड़ा होगा और आईपीस का लेंस जो है छोटा होगा, ठीक है, ये एक खास बात है इसमें। तो आईपीस का लेंस बड़ा होने का रीजन क्या है, यहाँ पे आपको बता दूं मैं, आईपीस लेंस का बड़ा होने का रीजन ये है क्योंकि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, जिस ऑब्जेक्ट को भी मैं देख रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है हमसे, तो अगर वो ऑब्जेक्ट मुझसे बहुत दूर है तो ऑब्वियसली उसका जो रेज ऑफ लाइट मुझ तक फॉल नहीं होगा पूरा। तो हम यहाँ पे बड़ा रखने का लेंस का मेन रीजन ये है कि मैक्सिमम लाइट शुड एंटर इनटू दिस, ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर एंटर हो, तो ज्यादा लाइट अंदर एंटर होने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़ा यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, और हमने पढ़ा है इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी सो इमेज विल फॉर्म दैट फोकस, दैट इज ट्रू। तो आप देखोगे दूर से रेज ऑफ लाइट आ रही है, इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। आप देखोगे ये एफ ओ जो है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर है, एफ ई जो है फोकस ऑफ आईपीस है जो यहाँ पर है। तो हमने क्या किया ना बच्चों, हमने यहाँ पे एक्चुअली ये कॉनिकल ट्यूब में पूरा ऐसे, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम इसे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, बट अभी ये इस तरीके से कुछ एडजस्ट हुआ है जहां पे फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकस ऑफ आईपीस एक ही पॉइंट पे मीट होते हैं। ध्यान सुनना, फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस और आईपीस का फोकस दोनों एक पॉइंट पे मीट होते हैं, तो मेरा इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्टिव लेंस से तो फोकस पे बनेगा क्योंकि रेज इंफिनिटी से आ रही है, तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। और यहां पे अगर इमेज फोकस पे बन रहा है तो आईपीस के लिए वो जो इमेज है ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा सेम, बट अब ये आईपीस के फोकस पे है। तो देखो हमने पढ़ा है इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस,
सो इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी. तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो मुझे इमेज कहाँ दिखाई देगा, इन्फिनिटी दिखाई देगा. ठीक है, तो दिस इज द सिंपल डायग्राम. ठीक है, इसका आपको कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है. तो ये जो हमने किया है ना बच्चों, ये हमने अंडरस्टैंड किया विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन. हम टेलीस्कोप को जो है रिफ्लेक्शन से भी अंडरस्टैंड करते हैं. ये आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में किया था आपके रिफ्लेक्शन चैप्टर में जब 9th में पढ़े थे. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में आप लोगों ने किया था रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. ओके ओके, सो ये हो गया हमारा टेलीस्कोप का पार्ट. सिंपल था, इमेज बहुत, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट टू लेंस को बढ़ा लिया ताकि मैक्सिमम लाइट अंदर एंटर करे. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा. और यहाँ पे हमने कहा कि दोनों का फोकस जो है एक ही पॉइंट पे है, तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा. तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, कि इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट मिलते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की. अब देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, कि मैं कहाँ पे ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूँ. तो देखो ऑप्टिकल हम कैमरा में यूज करते हैं, तो जैसे कैमराज में भी लेंस लगे होते हैं. ठीक है, तो वो भी तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. प्रोजेक्टर्स, फिर हम बात करें स्पेक्ट्रोग्राफी. तो देखो स्पेक्ट्रोग्राफी क्या होता है, जैसे अगर मुझे किसी चीज को स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक्स, तो मैं क्या करता हूँ स्पेक्ट्रोग्राफी की मदद से उन्हें जो है यूज करता हूँ. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों स्पेक्टेकल्स. तो स्पेक्टेकल्स में भी मैं कॉन्वेक्स लेंस को यूज करता हूँ. आप लोगों ने देखा है ना हाइपरमेट्रोपिया में इमेज जो है रेटिना के पीछे बनता है, तो मुझे उसे आगे लेके आना है. तो वहां पे हम स्पेक्टेकल्स में क्या करते हैं, जो है कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं. कहाँ पे, हाइपरमेट्रोपिया में. ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ा है. अब बात करते हैं बच्चों परसिस्टेंस ऑफ विजन की. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है. देखो परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, जैसे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता हूँ, तो अगर वो ऑब्जेक्ट मेरे आंखों के सामने से हट गया बट उसका इमेज तो हमारे जो है रेटिना पे बनता है, तो वो जो इमेज में रेटिना पे बनता है वो कब तक रेटिना पे रहेगा इमेज के हटने के बाद, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन. मतलब वो इमेज कब तक वहां पे परसिस्ट करेगा, कब तक रहेगा ऑब्जेक्ट के हट जाने के बाद. तो ये जो है ना बच्चों हमारा जो इमेज होता है, बता दूं मैं आपको 1/16 सेकेंड. ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1/16 सेकेंड के लिए जो है हमारा इमेज वहां पे रहता है. मतलब एक सेकेंड का जो 16वां हिस्सा होता है उतने सेकेंड तक जो हमारा इमेज वहां पे रहेगा. तो देखो हमने क्या लिखा है, द सेंसेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स इमेज. सो द सेंसेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इमेज ऑन रेटिना परसिस्ट ऑफ अ वाइल परसिस्ट फॉर अ वाइल. लिखना, मैंने ऑफ लिख दिया है, परसिस्ट फॉर अ वाइल. ठीक है, परसिस्ट फॉर अ वाइल मतलब हमने जो भी सेंसेशन किया ऑब्जेक्ट का, जो इमेज बना रेटिना के ऊपर, तो वो जो है बच्चों कुछ समय के लिए हमारे आंखों पे रहता है, परसिस्ट फॉर अ वाइल. और कितने टाइम के लिए रहेगा, 1/16 सेकेंड. ठीक है, बस ये इतना सी टॉपिक था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है. ओके, मैंने ये आपके लिए थोड़ा फ्लो चार्ट में कर दिया लास्ट पैराग्राफ था, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो, ज्यादा डिफिकल्टी ना हो. देखो अभी हमें पता है कि इमेज कहाँ बनता है, बच्चों रेटिना पे. तो इमेज फॉर्म हो रहा है रेटिना पे. अब यहाँ पे रेटिना पे ना बच्चों लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं. रेटिना के ऊपर क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स. मैंने बोला हमारा जो आई है वो सेंसिटिव है, लाइट सेंसिटिव है, मतलब लाइट होगी तभी हमें चीजें दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी. तो ये क्या है, हमारा जो रेटिना है उसके ऊपर कौन से सेल्स है बच्चों, लाइट सेंसिटिव सेल्स. पर वो सेल्स दो तरीके के हैं, देखो दो पार्ट में लिया और उनके शेप है, दो तरीके के सेल्स जिनके अलग अलग शेप है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है शेप दो तरीके के, एक रॉड शेप है और एक कोन शेप है. एक कैसा है, रॉड शेप है, जैसे ये एक रॉड है, और एक कोन, आइसक्रीम का कोन होता है ना वैसा शेप. ठीक है, तो एक रॉड शेप होता है, कोन शेप होता है. अब रॉड शेप का काम क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है रॉड शेप इज रेस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट. मतलब हमारे रेटिना पे जो रॉड शेप होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताता है. जैसे अभी देखो दिन के समय जो उजाला होता है बहुत ब्राइट होता है, शाम जब शाम होने लगती है तो उजाला कम हो जाता है, रात होने लगती है तो उजाला और कम हो जाता है. मतलब इंटेंसिटी जो है लाइट की कम ज्यादा होती है. अभी जैसे एग्जांपल दो, एक रूम में सपोज एक ट्यूबलाइट है, तो उस एक ट्यूबलाइट से जो ब्राइटनेस होगा, और अगर मैंने एक रूम में 10 ट्यूबलाइट लगा दी तो उससे जो ब्राइटनेस होगा वो अलग अलग होगा. मतलब यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ सिंपली ब्राइटनेस की और डिमनेस की, कितना ज्यादा लाइट ब्राइट है कितना डिम है वो कौन बताएगा, रॉड सेल्स बताएंगे. रॉड जो है हमारे क्या है, लाइट सेंसिटिव सेल्स है, कहां पे है, रेटिना के ऊपर. बट कोन जो होता है वो रेस्पॉन्ड करता है कलर को. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कुछ कलर होगा, तो वो कलर कौन सा है कैसा है वो कोन बताएगा. तो कोन का काम क्या होता है, कलर को रेस्पॉन्ड करना, वो आपको कलर जो है स्पेसिफाई करके देता है. ठीक है, तो यहाँ पे रॉड का काम है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बताना, कोन का काम है कलर को बताना, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन ब्रेन में सेंड करते हैं. तो हम फिर किसी भी चीज को देखते हैं तो ये दोनों कंबाइन होके, इन दोनों का कंबाइन डेटा जो है
इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू ब्रेन में जाता है, फिर हमें पता चलता है अच्छा ठीक है हम इस चीज को देख रहे हैं, इसका कलर ये है, अच्छा इधर ब्राइटनेस ज्यादा इधर ब्राइटनेस कम है, समझ रहे हो? ओके, तो मैं एक चीज यहाँ पे और ऐड करूंगा। सी, जब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब वो ब्राइटनेस या डिमनेस बताता है, और कोन की बात करते हैं जो कलर पे बात करता है, तो यहाँ पे बच्चों अगर सपोज देखो कभी कभी ऐसा होता है कुछ अंधेरा ज्यादा होता है, ठीक है, बट हमें फिर भी चीजें दिखती है, हमें फिर भी चीजें दिखती हैं, बट हमें उनका कलर नहीं दिखता है कौन सा है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब क्या होता है, अगर ब्राइटनेस बहुत कम है, डिम ब्राइटनेस है एकदम, तो उस वक्त हमारा रॉड जो है वो काम करता है, हमें चीजें दिखाई देती हैं, बट कौन जो है उस डिम ब्राइटनेस में काम नहीं कर पाता है, तो हमें उस ब्राइटनेस पे कलर का पता नहीं चलता है, ठीक है? ओके, कौन जो है यहां पे, कौन जो है ना बच्चों, ये तीन कलर को ज्यादा रेस्पॉन्ड करता है, रेड, ग्रीन और एक था बच्चों, ओके यहां पे आपको बुक में दिया है, ओके ब्लू। सो दिस रेस्पॉन्स टू रेड, ग्रीन और ब्लू। तो हमारा जो कोन है ना बच्चों, वो इन तीन कलर को ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, रेड, लाइक ग्रीन और ब्लू को। तो जैसे अगर रेड कलर है तो वो उनको जल्दी से स्पेसिफाई कर लेगा, अच्छा ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, इन कलर्स को वो जल्दी पकड़ लेता है, बराबर। बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इन कलर्स में डिस्टिंग्विश पता नहीं चलता। जैसे अगर मैंने आपके सामने सपोज एक रेड धागा ले लिया, ग्रीन धागा ले लिया, मैंने ऐसे खड़ा रहा, मैंने बताओ कौन सा धागा है, तो आप देख के बता सकते हो एक रेड है एक ग्रीन है। पर जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है, ध्यान सुनना, जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है वो रेड और ग्रीन में डिस्टिंग्विश नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है? तो रेड कलर अगर ग्रीन कलर में आपको डिस्टिंग्विश पता नहीं चलता है, दैट मींस आपको कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब बंदा ब्लाइंड नहीं है बट उसको कलर ब्लाइंडनेस है। तो जनरली कलर ब्लाइंडनेस जो होता है बच्चों, ये इन तीन कलर में होता है। तो हम अगर रेड धागा है, ग्रीन धागा है, देखो ऑब्वियसली वो धागे बहुत पतले पतले होते हैं, तो उनको हम देखते ही पता लगाते हैं ये रेड है ये ग्रीन है, बट अगर हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब हमें क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट ऑल द टॉपिक फॉर योर चैप्टर लेंस। तो बाय दिस वी एंड द टॉपिक, हमारा लेंस चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। अगर आपको प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी पढ़ने का मौका दो, ठीक है? लॉकडाउन पीरियड में हर किसी को हेल्प करो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज, जैसा मैंने कह रहा कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात, इसका जो न्यूमेरिकल वीडियोज है वो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, सॉल्व और अनसॉल्व, ठीक है? तो चैनल के साथ बने रहिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, आपको सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे हम जो भी कुछ अपलोड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, टेक द स्क्रीनशॉट।